हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश एंसर्स। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक रियल एस्टेट वेबसाइट किस तरह से बनाएंगे। और ये जो एक्चुअली रियल एस्टेट वेबसाइट मतलब क्या होता है कि अगर कोई कुछ लोगों को पता होगा कुछ लोगों को नहीं होगा, तो जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ। जैसे कि रियल एस्टेट वेबसाइट में क्या होता है कि कोई अगर प्रॉपर्टी है किसी की, जैसे कि कोई बिल्डिंग है, कोई अपार्टमेंट है, कोई घर है या फिर कोई मैंशन है, तो उसको अगर किसी को बाय या फिर सेल करना हो तो रियल एस्टेट वेबसाइट पे जाता है वो। ठीक है, ये बेसिक आइडिया होता है रियल एस्टेट वेबसाइट का। अब ये मेरी रियल एस्टेट वेबसाइट एक हम बना रहे हैं अपनी खुद की, ठीक है, जिसका मैंने यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट टाइप आप कह सकते हो, एक ओवरव्यू से बनाया हुआ है, ठीक है। और ये कुछ इस तरह की वेबसाइट हम अपनी खुद की बना रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि मेरे को कोडिंग आता है, लेकिन उतना भी एकदम एडवांस लेवल का नहीं आता है जिस लेवल का हमको ये वेबसाइट बनाना है, ठीक है। वेबसाइट में क्या होगा, फिर बहुत सारे प्रॉपर्टीज का वो होगा, उसको हमको बाय करना होगा, सेल करना होगा, एकदम ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह बनाना। उस लेवल का मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आता, ठीक है, ऐसे बेसिक प्रोग्रामिंग आता है। तो इसलिए हमने इंजीनियर्स हायर करने का कोशिश किया, लेकिन कुछ लोग कुछ ज़्यादा फीस मांग रहे थे, तो ऐसे कुछ कुछ रीजंस की वजह से हमने इंजीनियर्स को हायर करना कैंसिल कर दिया। और तभी हमको चैट जीपीटी के बारे में पता चला, ठीक है। एक्चुअली चैट जीपीटी क्या है, एक ओपन एआई ने बनाया है, उसको एक एआई चैटबॉट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो वो क्या करता है, एकदम ह्यूमन की तरह इंटरेक्शन करता है हमारे साथ। हम जैसे इंसानों से बातचीत करते हैं उसी तरह वो हमारे साथ बातें करता है, ठीक है, एकदम सेम टू सेम। तो उसको हमको बस बेसिक वेबसाइट का आइडिया दे देना है, ठीक है, कि किस तरह की चाहिए, और वो कोड हमको बना के दे देगा, लेकिन पूरा वेबसाइट का कोड नहीं देगा, ठीक है, बस छोटा सा कोई हम अगर उसको पूरा वेबसाइट का कोड मांगेंगे ना तो वो नहीं देगा वो हम अगर लेकिन हाँ, अगर हम उसको पूरी वेबसाइट का एक जो होम पेज रहता है ना, हर वेबसाइट का डैशबोर्ड या फिर होम पेज रहता है, उस डैशबोर्ड का अगर उसको सिर्फ कोड मांगेंगे तो वो दे देगा। वो भी एकदम एग्जाम्पल से बेसिक कोड है, जैसे कि ये जो इमेजेस और ये सब है ना, ये मैंने खुद ऐड की है, ये उसने पहले से नहीं दे रखी थी, ठीक है। ये बटन, ये सब कुछ नहीं था, बस ये वेलकम टू ये था, ये टेक्स्ट था, ये एक बटन था, और बाकी ये सब छोटा मोटा कुछ 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 था, ठीक है। और ये एक नेविगेशन बार था, ज्यादा कुछ नहीं दे रखा था उसने। ये इमेजेस ये सब तो मैंने ऐड किया है खुद से। तो इस तरह से जो मैंने ऐड किया अपनी खुद से कस्टमाइजेशन करने के लिए, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि मुझे, ठीक है, बेसिक प्रोग्रामिंग का नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए ऑब्वियसली। तो अब मैंने इसका मैं आपको कोड दिखा दूँ। सबसे पहले ये है इसका कोड, ठीक है, मैं एक्चुअली वी एस कोड यूज करता हूँ, तो वी एस कोड में मैं कोडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरा इसका कोड है, ये सबसे पहले तो ये तो HTML, ये HTML कोड है, और इसके साथ एक CSS कोड है, CSS भी लगता है, ठीक है, इतना बेसिक नॉलेज तो आपको होना चाहिए कि CSS भी लगता है इसके लिए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हम चैट जीपीटी से कर सकते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी को कुछ नहीं, बस कमांड देना है कि ऐसा ऐसा मेरे को पेज का थोड़ा सा छोटा सा डिटेल्स दे देना, वो कोड बना के आपको दे देगा। मैं दिखाता हूँ, देखो चैट जीपीटी खोलने के लिए आपको सबसे पहले तो ओपन चैट जीपीटी सर्च करना होगा, या फर्स्ट वेबसाइट जो आएगा ओपन आएगा, इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी, उसको ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे ट्राई चैट जीपीटी इसको, अच्छा, तो यहाँ पे ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करना है, नीचे ओपन होगा, इसको टाइम लगेगा। तो ये न्यू चैट एक खोल देगा अपना, ठीक है, ओके, हाँ। तो ये इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे पहले इसको तो यहाँ पे आप मैसेज इसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है, इसे बात करने के लिए। अब कैसे, जैसे मैं इसको सबसे पहले हाय भेजता हूँ, ट्राई करते हैं, ओके, तो हेलो, हाउ कैन आई रजिस्टर टुडे। अब इसको हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी हमें हेल्प चाहिए होगी तो वो हम इसको दे सकते हैं, ठीक है, एकदम ह्यूमन की तरह ही हमसे बात करता है। अब हमको क्या चाहिए, कोड चाहिए। कोड अगर हम पूरा वेबसाइट का मांगेंगे ना इसको, तो नहीं देगा, ये बोलेगा कि एज एन AI मॉडल आई कांट गिव यू द कोड, ऐसा कुछ कुछ बोलेगा ये, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको बेसिक होम पेज का कोड मांगेंगे, जैसे कि हमारा रियल एस्टेट वेबसाइट है, ठीक है, उसका नाम है मुंबई डील। अब यहाँ पे मुंबई डील डालेंगे तो ये नहीं समझ पाएगा, रियल एस्टेट वेबसाइट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कि
कैन यू राइट मी अ कोड फॉर द पेज ऑफ आवर रियल एस्टेट वेबसाइट विथ नेविगेशन बार भी चाहिए हमको. एक्चुअली नेविगेशन बार के साथ ना अच्छा दिखता है थोड़ा. नेविगेशन बार कर दिया विथ नेविगेशन. ओह सॉरी विथ नेविगेशन टाइप किया. ओके समझ गए. तो इस तरह से ये समझ जाता है, मतलब एकदम इंसान की तरह है ये. इमेजेस भी चाहिए हमको, बिना इमेजेस का नहीं होगा. एक सेकेंड, हमको इमेजेस भी चाहिए ना, तो किसी को कॉपी करता हूँ ठीक है. और इसको और हर बार एक और चीज, हर बार ना ये अलग अलग रिस्पॉन्स देते हैं. नेविगेशन बार एंड इमेजेस. सैंपल टेक्स्ट भी ऐड किया इसने. पिछली बार एक्चुअली जब मैंने मांगा था इसको, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसके बाद जब मैंने एक और बार इसे वो मांगा था, कोड मांगा था, तो इसने बूटस्ट्रैप का भी यूज किया था. मैं लास्ट में बताऊंगा बूटस्ट्रैप क्या है. एक्चुअली आप चैट जीपीटी की जगह बूटस्ट्रैप भी यूज कर सकते हो, ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा. लेकिन अभी तक मैंने करके नहीं देखा कि क्या बेटर है, मैंने कुछ टेस्ट करके नहीं देखा. अच्छा ओके, तो ये है कुछ इस तरह से है. कुछ नहीं करना है बस. अब ये इसने पूरा कोड दे दिया है. ये एक्चुअली ऊपर पीएचपी लिखा है, लेकिन ये एचटीएमएल कोड है ठीक है. एचटीएमएल प्लस इनलाइन सीएसएस भी है इसमें. एक्चुअली एचटीएमएल बोल सकते हैं इसको, तो एचटीएमएल फाइल ही बनेगा यहाँ पे एक्चुअली. तो ये क्या टेक्स्ट दिया है इसने. इसने पहले जितनी बार भी मैंने ट्राई किया है ना ये कोड, एकदम अलग दिया है हमेशा से. तो इसको कॉपी कर, कुछ नहीं करना है, बस कॉपी करना है और आईडी में जाके पेस्ट करना है. मैं आपको करके दिखाता हूँ. ये इसने कोड दे दिया ना. अब ये मेरा वीएस कोड है, इसको क्लोज करता हूँ और मैं एक नया डेमो फोल्डर बनाता हूँ. डेस्कटॉप पे बना लेते. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए एक मैं आपको करके दिखाता हूँ नया फोल्डर बना के. एक्चुअली नया फोल्डर ही बनाना पड़ेगा और उसको वीएस कोड में ओपन करना पड़ेगा. डेमो ओपन किया. एक सेकेंड इसको नीचे डाउनलोड करो. सॉरी सर, अब फोल्डर नीचे ओपन है ना. इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड. मैं एक्चुअली वीएस कोड यूज कर रहा हूँ, तो ऐसे करना पड़ेगा. आप जो भी आईडी यूज करोगे वो एक्चुअली वीएस कोड मेरे हिसाब से अच्छा आईडी है अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हो तो. क्योंकि इसमें एक फैसिलिटी रहती है, आप लाइव जा सकते हो ब्राउजर में. मतलब आपको अगर कुछ भी, कोई भी आपने वेबसाइट या फिर कोई भी पेज बनाया है, एक वेब पेज जिसका आपको अगर रिजल्ट देखना है, तो डायरेक्ट आप गो लाइव, इधर नीचे बटन आता है उस, ये देखो ये, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट वेब पेज पे और जा सकते हो. और जैसे जैसे इधर आप करते जाओगे और सेव करोगे, वैसे वैसे उधर अपडेट होता जाएगा. तो ये है. तो यहाँ पे एक नया फाइल बना लेंगे, home.html. ये कभी कभी ना ये चैट जीपीटी जो है, ये अभी तो सिर्फ इसने HTML और जो CSS होगी इसकी, यानी कि जो डेकोरेटिंग, जो मतलब इसमें जो भी डेकोरेशन वगैरह लगेगा उसकी जो फाइल है, वो तो इसने इनलाइन दे दिए, इनलाइन CSS ऐड करके दी है. लेकिन कभी कभी ये अलग से HTML और CSS का कोड देता है, तो हमको दो फाइल बनाने भी की भी ज़रूरत पड़ सकती है ठीक है. तो यहाँ पे कुछ नहीं, अब इसको कॉपी करेंगे हम. कॉपी कोड करेंगे, कॉपी कोड का बटन है, या VS कोड में जाके पेस्ट कर देंगे. ओके तो ये देखो, ये पूरा कोड है. कितना, ये 90 लाइंस का कोड है, 89 इनफैक्ट. अब इसको हम सेव करेंगे. तो अब यहाँ पे मैं तो VS कोड में हूँ, तो गो लाइव करूँगा ना. तो यहाँ पे गो लाइव करके ब्राउजर में हमारा जो पेज है उसको ओपन करके देगा. ये एक मुंबई डील है, और ये देखो कुछ इस तरह से. तो ये कुछ इस तरह से ऊपर में हेडर है, जिसमें हमारी क्या है, वेबसाइट का वो है हेडिंग. नीचे में यहाँ पे कुछ वो है, यहाँ पे कुछ इमेजेस है ठीक. और नीचे ये है. अब इसने तो, ये तो बहुत ही बेसिक है, इसमें ना इमेजेस है ना कुछ है, बस ब्लूप्रिंट टाइप से बना के दिया है. अब
ये भी जो बनाया था ना इसने, वो भी एकदम इस तरह का ही था पहले तो, लेकिन बाद में मैंने इसमें कुछ डार्क थीम तो इम्पैक्ट पहले का था, ये इमेजेस और ये सब ऐड करके इसको अच्छा बनाया। बाकी ये पहले एकदम सूखा सूखा था, इसको अच्छा बना सकते हैं हम, थोड़ा बेटर बना सकते हैं। उसके लिए हमको ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग का बेसिक नॉलेज तो चाहिए। ठीक है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे ऊपर रियल इस्टेट है, तो ये रियल इस्टेट तो नहीं, अपना मुंबई डील है ना, नाम तो मुंबई डील रखते हैं। यहाँ पे मल्टी कर्सर लगाता हूँ मैं, तो मुंबई डील है। और ये तो नेविगेशन बार, इसको नहीं छेड़ना है अपन ने। हाँ, ये इमेजेस, इमेजेस अभी नहीं लगाते हैं, अभी छोड़ देते हैं इमेजेस। अब हमको मान लीजिए कुछ एग्जांपल के लिए, हमको ये जो इमेजेस है ना, ये प्रॉपर्टीज की इमेजेस है, मतलब जो सेलर ने जो प्रॉपर्टी अपलोड की है उसकी कुछ इमेजेस है। ठीक है, तो उसको उसकी नीचे थोड़ी सी डिटेल्स तो चाहिए, तो उसके लिए हमको यहाँ पे हेडिंग्स वगैरह ऐड करना पड़ेगा, है ना, वो हमको खुद से करना पड़ेगा, वो चैट जीपीटी करके नहीं देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम एक वेबसाइट, एक सेकंड, मैंने सेव नहीं किया क्या, इधर अपडेट नहीं हुआ शायद। अच्छा, इधर सेव करना होगा, तब उधर जाके अपडेट होगा। ये देखो मुंबई डी आ गया। और ठीक है, तो कुछ इस तरह से होता है ये। तो ये भी एक वेबसाइट है जो मैंने पहले बनाई थी, और ये एक अभी वाली वेबसाइट है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये वेब पेजेस, वेब पेज बना के देता है, वेबसाइट नहीं, वेब पेज बना के देगा एक सिंपल सा। ठीक है, जिसमें अपडेट्स मतलब छोटे मोटे चेंजेस, छोटे मोटे भी नहीं, बाकी के चेंजेस जो है जैसा हमको चाहिए वो तो हमको खुद करने पड़ेंगे। अब जो मैं आपको बता रहा था बूटस्ट्रैप के बारे में, तो वो जो है कि पिछली बार जब मैंने कोड इससे मांगा था, तब उसने जो CSS है, यानी कि ये जो है, ये उसने बूटस्ट्रैप से मंगाया था। अब बूटस्ट्रैप क्या है कि एक बूटस्ट्रैप भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कह सकते, एक वेबसाइट मेकिंग टूल है, जिससे हम जैसे ये कोड देता है ना हमको, एक वेब पेज का, ये पूरा वेब पेज का कोड देता है, लेकिन और उसमें हमको कोड में जाके कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। बूटस्ट्रैप में क्या है, हमको कोड में बिना जाए कोड में कस्टमाइजेशन करने का जरूरत ही नहीं हो, उधर बस हमको सिलेक्ट करना है किस तरह के हमको डेकोरेशन वगैरह चाहिए, किस तरह का बटन चाहिए, क्या चाहिए, प्रोग्रेस बार चाहिए, नेविगेशन बार चाहिए, हेडर चाहिए, फुटर चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, उस वैसा कुछ हमको सिलेक्ट करना होगा। उस और फिर वो हमको कोड देगा, वो कोड को हमको कॉपी करना है इधर VS कोड, जिसमें भी ID में पेस्ट करना है, और वो हमको और वेबसाइट चलाना है। ठीक है, उसके अलग, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन जाएगी बाद में। ठीक है, अभी बेसिक ये था समझाना इस वीडियो का टारगेट, कि आपको चैट जीपीटी से वेबसाइट कैसे बनाना है वो समझाना है। कुछ नहीं, बस आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि वेबसाइट कैसी है, और ये उस वेब पेज का आपको इधर टाइप करना है कि किस तरह से वेब पेज आपको चाहिए, और उसका कोड दे दो मेरे को बोल के टाइप करना है, सेंड कर दोगे तो ये आपको कोड दे देगा। ठीक है, ये पहले वाला कोड है, एक सेकंड, दो दो कोड चाहिए। अच्छा ओके, तो इस तरह से कोड देगा। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।